नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हम आपको मिलवाएंगे सिविल सर्विसेज 2019 एग्जाम में रैंक 381 लाने वाले श्री दिनेश प्रताप सिंह राठौड़ से। दिनेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो पूरी स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि आपने इस एग्जाम को क्रैक किया है और इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you very much, sir. Thank you very much for inviting me here. And thank you very much for your good wishes for my result. Thank you very much. तो दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपके बैकग्राउंड के बारे में। तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं और कहां से आपने अपनी बेसिक एजुकेशन करी है। सर, मैं चुरूर डिस्ट्रिक्ट में सरदारशहर तहसील के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी सरदारशहर तहसील में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेल नर्स फर्स्ट ग्रेड के पद पे कार्यरत हैं। तो मैंने सरदारशहर से ही अपनी क्लास 10th तक की एजुकेशन करी थी और उसके बाद क्लास 12th मैंने कोटा से करी और उसके बाद मेरा सिलेक्शन AIEEE के थ्रू निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में हुआ, जहाँ से मैंने BTech की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एंड उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इरमा से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया रूरल मैनेजमेंट के अंदर। तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड का यहाँ तक सफर रहा है सर। तो आप रूरल मैनेजमेंट में अपनी डिग्री कर रहे थे, तो आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए? सर, रूरल मैनेजमेंट का जो मेरा कोर्स था इरमा का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है जिसमें फील्ड वर्क और क्लासरूम सेगमेंट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हम उसी कोर्स के दौरान गाँव में काफी लंबे समय, 2-3 महीने तक हमने गाँव में स्टे किया इंडिया में अलग अलग जगह। तो तब से एक फील्ड वर्क की तरफ रुझान और काफ़ी इंटरेस्ट रहा और वहाँ पे हमने देखा भी, बिकॉज हर एक गांव में गवर्नमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है, तो गवर्नमेंट की रीच जो है कि भाई रीच बहुत ही यूनिवर्सल है और इक्विटी और एक्सेस बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट का, तो वो इम्पैक्ट हमेशा रहता है। तो उसने मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है जो गवर्नमेंट प्ले करती है और यहाँ पे मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। इसके अलावा मैंने अब मेरा जो कॉलेज जो प्लेसमेंट था वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक सब प्रोग्राम है, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो राजस्थान में राजीविका के नाम से चलता है। उसमें मैंने एज ए यंग प्रोफेशनल 9-10 महीने मैंने काम किया था, तो वो भी मेरा उसी रूरल मैनेजमेंट से रिलेटेड ही रहा। तो उस दौरान भी मुझे काफ़ी ये रुझान हुआ कि ना केवल इसी तक सीमित, मैं सिविल सर्विस में जाके और भी वाइडर इम्पैक्ट डाल सकता हूँ रूरल डेवलपमेंट और इन सब एरियाज के अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है आपका और मैं कहना चाहूंगा कि आप ऑलरेडी ग्रामीण परिवेश में काम कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, तो आपको काफी आइडिया या काफी नॉलेज होगी जिस फील्ड में आप जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि मोस्टली ग्राउंड लेवल पर ही डील करना होता है। तो आपने ये 9-10 महीने जॉब करने के बाद फिर तैयारी साथ में शुरू करी या फिर आपने जॉब छोड़कर फिर तैयारी करी है? सर, 9-10 महीने तैयारी करने के बाद फिर मुझे था, पूरा मन बना लिया था कि अब सिविल सर्विसेज करना है, तो मैंने एक बार जॉब चेंज करी जिसमें थोड़ा मुझे फाइनेंशियल थोड़ा बैकअप अच्छे से मिल जाए। तो मैंने 1-1.5 साल एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सर्वे, फील्ड वर्क बनाती थी, तो ध्वनि रूरल इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस कंपनी का नाम था। इसमें मैंने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर लगभग 1.5 साल काम किया और इसके बाद जब मुझे लगा कि ठीक है अभी थोड़ा बहुत सेविंग्स हो गए हैं और ठीक है अभी, तो फिर मैंने जॉब छोड़ के और फिर तैयारी शुरू करी। और ये किस समय की बात है, यानी 2017 के अराउंड होना चाहिए? जून, या जून 2017 में मैंने जॉब छोड़ के तैयारी शुरू करी थी। ओके, तो आप तैयारी के लिए फिर अपने घर से ही तैयारी कर रहे थे या आप दिल्ली या किसी अन्य महानगर की तरफ गए? मैं मेरी कंपनी उस टाइम दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो मैं दिल्ली में ही था, तो फिर मैंने दिल्ली से ही तैयारी की अपनी। अच्छा। जॉब छोड़ने के बाद जी, तो आपने फुल टाइम तैयारी को दिया, 2018 का अटेम्प्ट दिया, तो इस अटेम्प्ट में आप कहां तक सफल हो पाए, किस स्तर तक आप पहुंचे एग्जाम के? 2018 के अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन फाइनल लिस्ट में कुछ नंबरों से मैं रह गया था। तो उसके बाद मैंने तुरंत वापस अगले अटेम्प्ट की तैयारी चालू करी और फिर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये वाला। तो आपने मतलब दोनों ही अटेम्प्ट में अपने इंटरव्यू स्टेज तक आप पहुंचे हैं, इसका मतलब कि आप मेंस राइटिंग में काफी अच्छे होंगे, आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया होगा। तो मेंस की तैयारी के लिए आपने कुछ अलग से प्रोसीजर अपनाया या कोई स्ट्रेटेजी अपनाई कि मेंस के लिए ये पर्टिकुलर काम करना है, जैसे कि मॉक टेस्ट दिए या फिर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, कोई स्पेसिफिक चीज जो आपके लिए सफल रही हो, आपके लिए बिल्कुल
सटीक रही हो? मेन्स आंसर राइटिंग के लिए मेरा, मैंने ज़्यादातर प्री के बाद ही, प्री होने के बाद मैंने ज़्यादा फोकस किया मेन्स आंसर राइटिंग पे, और टेस्ट सीरीज तो मैंने जनरल स्टडीज की एक ही ज्वाइन की थी, साथ साथ में मैं डेली आंसर राइटिंग जो अलग अलग सोर्सेज पे, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, वहाँ से डेली आंसर राइटिंग करता था। और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं प्रद्युम्न यादव, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, वो भी तैयारी कर रहे थे तो हम लोग एक दूसरे के आंसर चेक करते थे और काफी उन्होंने गाइड किया, तो वो सेल्फ प्रैक्टिस एक लेवल पे और एक थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज दोनों का ही मिक्सचर रहा मेंस आंसर राइटिंग में। तो कई लोगों का ये मानना है कि दोस्तों के साथ बैठकर आंसर डिस्कशन करने में टाइम वेस्ट होता है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने फ्रेंड के साथ बैठकर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी या एक दूसरे के आंसर्स चेक किए, तो आपको कभी लगा नहीं कि समय खराब हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है? नहीं, अगर आप एक बहुत बड़े, थोड़े बड़े सर्किल में डिस्कशन करते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ आपके दोस्त हैं जिसके ट्यूनिंग आपकी सही है और वो भी एक आपकी तरह सीरियस कैंडिडेट हैं, और आंसर चेक करने में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप टाइम लीजिए, अपने आंसर लिखिए, दोनों एक्सचेंज करिए, आप कुछ उनसे, उनके पॉइंट्स आप सीखेंगे, कुछ आपके पॉइंट्स वो सीखेंगे, तो बहुत ही आई थिंक क्विकली किया जा सकता है, और यही फॉलो किया जाता है डिस्कशन से ज़्यादा हम चेकिंग। और दिन में डिस्कशन तो शायद आधे पौन घंटा, एक घंटे का ही होता था, लेकिन ये हम शेयर करते थे, तो एक छोटे ग्रुप में मुझे लगता है कि अगर आप काम करें तो हाँ हो सकता है इफेक्टिव। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था सर। ओके, और हिस्ट्री के लिए आपने कोई ऑप्शनल के लिए कोई खास तरीका अपनाया, आंसर राइटिंग पर जोर दिया, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी बुक्स पढ़ी जो लोग कॉमनली नहीं पढ़ते, या फिर जो नॉर्मल स्टडी लिस्ट है उसी को आपने फॉलो किया? जी, जो नॉर्मल, जो टॉपर, मैंने टॉपर्स की एडवाइस को काफी फॉलो किया, 2015 के टॉपर्स और 2018 के भी जो टॉपर्स हैं उनकी एडवाइस, काफ़ी डिटेल एडवाइस टॉपर ने शेयर करी थी, तो उसको मैंने फॉलो किया, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी, तो बुक्स तो मोर और लेस वही थी जो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री का काफ़ी वाइड रहता है सिलेबस, तो उसमें मैंने बहुत ही सिलेक्टेड सोर्सेज पूरे ही तैयारी में बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड रखे, ज़्यादा वाइड नहीं होने दिए, और आंसर राइटिंग भी मैं स्पेशली प्री के बाद तो मैंने काफ़ी फोकस किया, और हमारी हिस्ट्री में मैप्स का सेक्शन आता है जो कि 50 मार्क्स का होता है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसके लिए मैंने विशेष रूप से गूगल मैप्स वगैरह का सहारा लेके प्रैक्टिस किया। दिनेश सिंह जी, आपने इंटरव्यू बोर्ड को दो बार फेस किया, एक बार आपने 2018 में और एक बार 2019 के साइकिल में, दोनों बार आपका अप्रोच क्या था? क्योंकि एक बार आपको सफलता हाथ लगी, एक बार असफलता, तो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में आप क्या कहेंगे, आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस अगर कुछ हो तो हमें जरूर बताइए। जैसा कि जनरली नॉन है कि यूपीएससी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही कॉर्डियल होता है, और दोनों बार मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन व्हेन आई सी इन हाइंडसाइट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम, फर्स्ट टाइम में मेरा जो आंसर्स के अंदर जो पॉइंट्स का प्रायोरिटाइजेशन था वो थोड़ा इम्प्रूव हो सके चांसेस थे, एंड द सेकेंड थिंग कि मोर एक्यूरेट प्रेजेंटेशन जो आंसर्स का है विद अ लिटिल बिट इम्प्रूव टेम्परामेंट, वो थोड़ा लैकिंग था उस टाइम पे, तो इस बार मैंने इसके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। माय वेरी गुड फ्रेंड मिनाली, शी हेल्प मी अ लॉट इन रैपिड फायर क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस की वजह से मुझे बहुत ही कम टाइम के अंदर प्रायोरिटाइज तरीके से पॉइंट आंसर करने में बहुत मदद मिली, एंड इसके अलावा मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यूज उन्होंने, मैंने अपने दोस्तों के साथ और भी काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज किए, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे फ्लो स्पीच और प्रेजेंटेशन, तो वो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव करी, तो मैं होप कर रहा हूँ कि शायद इसकी वजह से इस बार थोड़े बेटर मार्क्स मिलेंगे। ओके, ओवरऑल आप कोई यूनिक एक्सपीरियंसेस अपने इंटरव्यू का शेयर करना चाहेंगे, कुछ अलग तरह का सवाल पूछा? कई बार अभ्यर्थी सोचते हैं कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछते होंगे यूपीएससी में, तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस पूछे गए हों? जी, आउट ऑफ द वर्ल्ड तो कुछ नहीं था मेरी प्रोफाइल में, मोस्टली मेरी प्रोफाइल से बेस्ड रूरल मैनेजमेंट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस थे, और जो करंट हैपनिंग हो रही थी उस दिन पे, विशेष तौर पे उस दिन निर्भया के हत्यारों को फांसी दी गई थी, तो डेथ पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डेथ पेनल्टी का मॉरल एस्पेक्ट वगैरह वगैरह, तो बेसिकली करंट इवेंट्स और मेरे बैकग्राउंड के साथ थे, और एक सिचुएशनल क्वेश्चंस थे तो जिसकी मैंने प्रैक्टिस करी थी, जिसमें मुझे ऐसा कहा गया था कि आप श्रीलंका के एम्बेसडर हैं और आपको कन्विंस करना है श्रीलंकन प्रेसिडेंट को टू इम्प्रूव बेटर टाइज विद इंडिया, तो ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस थे जो कि
इस बार प्रैक्टिस से थोड़े अच्छे तरह से हैंडल हुए। ओके ओके। और ओवरऑल आप अपनी सफलता का श्रेय किसी को देना चाहेंगे, अपने दोस्तों में, परिवार में, किसी को, किसी का स्पेशली आप मेंशन करना चाहें? जी सी, यूपीएससी की जर्नी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैं पेरेंट्स का और एलमाइटी का बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा ही, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इसके अलावा भी मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, मेरे जितने भी टीचर्स थे, श्रीधर साहब, पुष्कर स्वामी, हितेश भट्ट सर, दे ऑलवेज केप्ट मोटिवेटिंग मी, एंड उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेरे पोटेंशियल पर विश्वास किया। And my Masi Sangeeta Shekhawat, she was a very big support during this whole journey. And I am also very fortunate to have some great friends who were very, very wise counselors to me during this process, especially Minali, Sachin, Siddhar, Shiram, Akhil, Pradyuman. These are some of the names which are coming in top of my mind. Through you, I really thank all of them for helping me through this. बिल्कुल, अच्छे दोस्त अगर साथ में हो तैयारी के समय में तो बहुत मदद मिलती है डिस्कशन एटसेट्रा में। तो इंटरव्यू देने के बाद आपने जो ये पीरियड है पिछले 2-4 महीने का जो टाइम पीरियड था, कोरोना के कारण इंटरव्यूज कुछ डिले हो गए थे, इस समय आप क्या कर रहे थे? क्या आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे या फिर आप निश्चिंत थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जी, मेरा इंटरव्यू एक्चुअली पहले कोरोना लॉकडाउन से पहले ही हो गया था, तो मैं निश्चिंत तो, देखिए सिविल सर्विस के एग्जाम में मेरा अनुभव तो यही है कि कोई निश्चिंत हो ही नहीं सकता कभी भी कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन हाँ, तो इसी तरह मैं अपनी हॉबीज, कुछ कुछ किताबें जो बहुत टाइम से पढ़नी बाकी थी वो पढ़ी, और थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर्स को मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा था, डेली 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ रहा था घर पे, और साथ साथ में कोर्स बुक्स तो ज़्यादा अभी तक नहीं टच करी, लेकिन बाकी हॉबीज से रिलेटेड जो मेरी बुक्स हैं वो सब मैं पढ़ रहा था। मतलब आप इस साल के अटेम्प्ट के लिए इतना सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, मैं ये कह सकता हूँ आप कॉन्फिडेंट थे क्योंकि आप हॉबीज को फॉलो कर रहे थे। थोड़ा मुझे ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अभी फिर मैं 2 साल कंटिन्यूअस प्रोसेस के बाद ये टाइम पहली बार ऐसा मिला, इसमें थोड़ा लंबे टाइम घर पे रह रहा था, तो मैंने थोड़ा इसको एंजॉय करने के साथ सोचा, बट हाँ करंट अफेयर्स में टच में था और कुछ ऐसा आता था टॉपिक्स में जिसमें मुझे कुछ बुक को रेफर करना पड़े तो मैं जरूर करता था, तो इस तरह से तैयारी रही है। तो अभी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी समय का सदुपयोग करना चाहिए, अगर एग्जाम आगे पीछे डेट्स होती भी हैं तो मेरा यही मानना है कि इस टाइम को वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई में लगे रहें। तो दिनेश सिंह जी, ये पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद, ये जो आपकी 3 साल की यात्रा रही है, इसके बाद अगर मैं आपसे एक कोई की टेक अवे पूछूं कि वो क्या रहेगा, कि आपकी आपकी जो पूरी जर्नी थी, ये पूरा प्रोसेस था, इसमें कोई एक निष्कर्ष जो आपने निकाला हो जो हमारे भावी अभ्यर्थियों के लिए काम का हो, ऐसी कोई बात अगर आप शेयर करना चाहें? मैं ये बोलूँगा परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक तो जर्नी बहुत लंबी है सिविल सर्विसेज की, आप अगर एक ही बार तैयारी करके पहले प्रयास में भी सफल होते हैं तो भी आपको 2 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि आप 1 साल तैयारी करेंगे और फिर 1 साल का एग्जाम का साइकिल है, और इसमें बहुत सारे अपडाउन होंगे, सेल्फ डाउट होगा, तो आप जब इस, मैं कहना चाहूँगा कि आप जब एक बार इस फील्ड में आ गए हैं तो बस यही डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि भाई अब तो क्लियर करके ही निकलना है, और उसमें कोई भी अप डाउन हो ठीक है, सेटबैक्स आते हैं तो आपको डेफिनेटली हर्ट होता है, लेकिन आप उसको 1-2 दिन में रिकवर होके आप फिर से उसी में लग जाइए। तो लगता है परसिवियरेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में, जो कि उसे आप इसे कंटिन्यूटी मान लीजिए, उसमें हार्डवर्क भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान के युवाओं के लिए कोई खास संदेश? आप राजस्थान से हैं और राजस्थान के युवा हालांकि RIS और स्टेट सर्विसेज के लिए तो काफ़ी प्रिपेयर करते हैं, बट स्पेसिफिकली जो IAS के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, राजस्थान से मैंने अक्सर, मेरे एक्सपीरियंस जो राजस्थान के सहपाठी स्टूडेंट्स से रहा है, बहुत ही डाउन टू अर्थ और मेहनती मुझे सभी लोग लगे, तो सिविल सर्विसेज बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। हम RIS का आज का जो सिलेबस है वो काफी हद तक अब ओवरलैप होने लग गया है UPSC से, तो आई थिंक जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक निश्चित रूप से एक बहुत ही आप सीरियस ट्राई बिल्कुल देना चाहिए IAS के लिए, और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सफल होते हैं, गाइडेंस की खूब लोग हैं अवेलेबल गाइडेंस के लिए, तो आप डेफिनेटली आप फुल डिटरमिनेशन जाइए और बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ओके ओके।
एक आपसे बहुत ही टिपिकल सवाल पूछना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से आपसे लोकल मीडिया या हर कोई पूछ चुका होगा जो अखबार वाले हैं, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है सिलेक्ट होने के बाद। ये मेरा आखिरी सवाल है और आई प्रॉमिस कि ये मैं सवाल जो है इसका आपसे जो भी आप आंसर लेंगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। कैसा फील हो रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा तो एक सेटिस्फाइंग और रिलीव्ड फील हो रहा है, क्योंकि 2 साल की 3 साल की जर्नी है, उसमें इतने सारे अपडाउन आते हैं, इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि आप कांस्टेंट एक माइंड एजिटेटेड रहता है, होगा नहीं होगा। इससे तो अभी एटलीस्ट आपका लिस्ट में नाम आता है जिस लक्ष्य के लिए आप चालू करते हैं, वो जब प्राप्त हो जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन काफी ज्यादा है, रिलीव फील कर रहा हूँ अभी के लिए। और डेफिनेटली अभी थोड़ा द फीलिंग सिंक्स इन, आई विल थिंक कि अभी आगे किस तरह से बढ़ना है। तो आई विल से सेटिस्फाइंग एंड रिलीविंग, दैट्स द मोस्ट टू कीवर्ड्स फॉर दैट। तो दिनेश सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे पूरा यकीन है कि आप सर्विसेज में जाकर देश का नाम रोशन करेंगे, राजस्थान का नाम रोशन करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सर्विसेज के एक्सपीरियंस के कारण हम आपको फिर से स्टडी आईक्यू पर बुलाएं कुछ महीनों या फिर शायद अगले साल, और आप हमारा हम आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपनी सर्विसेज का। तो इसी के साथ ये इंटरव्यू हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच अपना समय देने के लिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।